सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आनंद का सागर शिव बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम्हारे सच्चे तीर्थ हैं शांति धाम और सुख धाम। तुम्हें रूहानी पंडा सत्य तीर्थ कराने आया है। तुम राजाई और घर को याद करो। साथ हैं बाबा, हम बच्चों को पूछ रहे हैं, तुम्हारी किस मेहनत को बाप ही जानते हैं। बाप ने उस मेहनत से छूटने की कौन सी युक्ति बताई है। बाबा कह रहे हैं, बाप जानते हैं, बच्चों ने आधा कलब भक्ति मार्ग में दर दर भटक कर बहुत ठोकरे खाए हैं। बहुत मेहनत करते भी प्राप्ति अल्पकाल क्षण भंगुर की हुई। एकदम जंगल में जाकर फंस गए। विकार रूपी डाकुओं ने लूट लिया। अब बाप इस मेहनत से छूटने की युक्ति बताते। सिर्फ बच्चे, सिर्फ मुझे याद करो। मेरे से ही सच्ची कमाई और सच्ची सगाई करो। इस वेहद की सगाई में ही मजा है। देह अभिमान रूपी बड़े डाकू से बचने के लिए अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझो। साथ में बाबा बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मतलब भक्ति में हमने क्या कहा कि शिव जी आओ, आकर हमें पावन बनाओ। बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए ये सब गाना जो रिकॉर्ड है काफी होते हैं, इसलिए बाप कहते हैं। और फर्नीचर आदि तो घर में लाया जाता है, 5-7 रिकॉर्ड भी घर में रखो। भल बाल बच्चे भी रिकॉर्ड सुने तो भी नशा चढ़े। महिमा तो सारी एक बाप की है ना, परंतु इस समय कोई उनको जानते नहीं है। और तो मनुष्य ही ढेर के ढेर महिमा करते हैं। फौरन के कोई आदमी आते हैं तो उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। बाप को सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। एक ही बाप है जो पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। पतित दुनिया है विशेष सागर, पावन दुनिया है खीर सागर। तो हम बच्चे कहाँ जा रहे हैं? खीर सागर। इसलिए भागते हैं। मीठे मीठे बच्चे, तुम यह भी निश्चय करते हो कि हमको वो श्रीमत मिली है, रूहानी पंडा मिला है, जिस्मानी पंडे हैं, जिस्मानी यात्रा करने के लिए, कराने के लिए। मनुष्य कितने यज्ञ तीर्थ आदि करते आए हैं, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये ज्ञान रहना चाहिए जिससे खुशी रहे। जन्मांतर कितने तीर्थ किए हैं, परंतु सच्चा तीर्थ एक ही है, अथवा दो कहो। और कराने वाला है बाप। वो समझते हैं यज्ञ तप तीर्थ करने से भगवान मिलेगा। अच्छा, वो कहाँ ले जाएंगे? जरूर अपने घर ही ले जाएंगे। वास्तव में सच्चे तीर्थ को ही याद करना है, यही मनमना भाव है। स्वर्ग का रचयिता एक बाप ही है, उसको हेवनली गॉडफादर कहा जाता है। इसलिए पूछा जाता है, हेवनली गॉडफादर से आपका क्या संबंध है? अगर सिर्फ तुम पूछेंगे कि गॉडफादर को तुम जानते हो तो झट कह देंगे वो सरयापी है। तो यह समझने की युक्ति रची जाती है कि बच्चों को सहज हो। तकलीफ तो बहुत देखी है ना, आधा कल्प 63 जन्म तुम आसुरी मत पर चले हो। भागते एकदम जंगल में जाकर फंसे थे। जंगलों में डाकू रहते हैं, इस जंगल में भी कई तुमको लूटने वाले डाकू मिलते हैं। सबसे पहले पहले आता है देह अभिमान। इसके साथ ही कितने बड़े डाकू हैं, यह है आदि मध्यांत दुख देने वाले नंबर 1 डाकू। ये किसी को भी पता नहीं,
बाप कहते हैं, इन डाकुओं ने क्या तुम्हारी हालत कर दी है। एक दो को काम कटारी से मारते हैं, कितना खर्च करते हैं, धक्का खाते खाते अब क्या हाल हो गया है। अब यह तो बेहद की बातें हैं। हाँ, आज बच्चा जन्मा, खुशी हुई, कल मर जाता है तो रोने लग पड़ते हैं। दुनिया की हालत देखो अब क्या है। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, और वही कौन है? सतगुरु है। वो गुरु लोग तो अनेक प्रकार के हैं, रास्ता बताते हैं, जप तप दान पुण्य आदि करने से भगवान मिलेगा, परंतु उसमें कितना खर्चा लगता है। और यहां कोई खर्चा नहीं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो। यह सच्ची सगाई है। कन्या की सगाई होती है ना, उनको क्या पता किससे सगाई होगी। ये भी कहते हैं कि भगवान साजन आएगा जरूर, परंतु जानते नहीं है। वो है हद की बातें। इस बेहद की सगाई में कितना मजा है। बाप कहते हैं तुमको श्रीमत देता हूं, उस पर सबको चलना पड़े। तुम जानते हो कलप कलप श्रीमत मिलने से ही भारत श्रेष्ठ बनता है। भारत को ही पैराडाइज कहते हैं। सेंसिबल जो है वो समझेंगे, बराबर पैराडाइज भारत ही था। भारत में ही गॉड गॉडेस का राज्य था। तुम उन्हें समझा सकते हो कि भारत जब हेवन था उस समय तुम थे नहीं, कोई भी नेशनलिटी नहीं थी। गॉड गणेश का राज्य समझते थे कृष्ण को ही, कभी लॉर्ड कभी गॉड कह देते हैं। श्री कृष्ण का ही मान है। लॉर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको भगवान समझते हैं। गीता के भगवान ने सबको सदगति दी है, लेकिन नाम कृष्ण का डाल दिया है। ये सबसे बड़ी गलती की है, भगवान कहते हैं। अब तुमको सारी नॉलेज मिली है, जानते हो टीचर पढ़ाते हैं तो साथ में आशीर्वाद भी होती है, मांगने की दरकार नहीं रहती। टीचर का काम है पढ़ाना, पढ़ना तुम्हारा काम है। तुम्हारी बुद्धि में यह नॉलेज भी फूल होनी चाहिए। नाटक में सभी एक्टर्स बुद्धि में रहते हैं ना, इस बेहद के नाटक के सभी मुख्य एक्टर्स को देखो। बाप भी कैसे आते हैं, कैसे नले सुनाते हैं, कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कोई पति अपनी पत्नी के लिए धन छोड़कर जाते हैं, परंतु बच्चा नालायक निकल पड़ता है, जो माँ को भी दुखी करता है। बाबा तो अनुभवी है ना, बाबा ने रथ भी अनुभव भी लिया है। गांवड़े का छोरा कहते हैं, कृष्ण तो विश्व का मालिक था, उनको थोड़ी गांवड़े का छोरा कहेंगे, वो तो गोरा था, वैकुंठ का मालिक था। जब सामरा बनता है तब गांव में रहता है, तो कृष्ण ही अंतिम जन्म में गांव का छोरा कैसे बना ये तुम जानते हो। बाबा खुद भी मंत्र खाते हैं, हम क्या थे। अभी बाबा को मालूम पड़ा है, श्रीमद् द्वारा तुमको भी मालूम पड़ा है, वंडर है ना, कितना बड़ा मालिक। और फिर समझते हैं कि कृष्ण को गांवड़े को छोरा क्यों कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जिस्मानी ब्राह्मण की बात नहीं है, वो है कुख वंशावली। तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली। तुम अच्छी रीति समझा सकते हो ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। वो ब्राह्मण तो ये जानते नहीं, वो ये ज्ञान कहां से लाए। बाप अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे जितना हो सके और झरमुई झगमुई छोड़ दो, शरीर निर्वाह अर्थ तो धंधा आदि करना ही है, बाकी जो समय मिले मोस्ट बिलेवड बाप को याद करना है। और जब बाबाओं का हम याद करेंगे तो मन बुद्धि संपूर्ण रूप से एकाग्र होकर पावन बन जाएगा। आज बाबा धारणाओं में कहते हैं अपनी बुद्धि को नॉलेज से सदा फुल रखना है। बाप से आशीर्वाद व कृपा मांगने का बजाय पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। दुखियों को सुखधाम का मालिक बनाने की सेवा करनी है, ऐसा सपूत सर्विसेबल बनना है जो बाप भी बलिहार हो जाए। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव।
बाबा कहते हैं दुनिया वाले समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ हैं। ऐसा कर्मयोगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त कर लेगा। चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे अलौकिक करते हो, लेकिन कर्म के साथ योग है, माना मन और बुद्धि की एकाग्रता है, तो सफलता बंधी हुई है। कर्मयोगी आत्मा को बाप की मदद भी स्वतः मिलती है। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त व मन मनाभाव रहो, मतलब बाबा की याद में रहना है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण कर्मयोगी सफलता मूर्त आत्मा। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर शिव बाबा की याद में रहना है, अनुभव करना है सर्वशक्तिवान बाबा मेरे मस्तक के ऊपर है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।